काले सरकार न्यूज़ में आपका स्वागत है मैं महेश मूलचंदानी हर रोज की तरह आज 28 मई की आपको उल्लासनगर शहर की करोना अपडेट हम बताते हैं बात काफ़ी गंभीर है और गंभीर बातों को हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए मगर पहले आपको मैं कल के करोना के आंकड़े बता रहा हूँ उल्लासनगर शहर के कल मामले थे दो मामले थे और उसमें एक मामले एक्टिव थे यानी कि जिनका उपचार जिनकी दवाई चालू थी और 96 मामले डिस्चार्ज हो चुके थे और नौ लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है आज 28 में है 28 में के आंकड़े इस प्रकार के हैं जो कल दो कोरोना पॉजिटिव थे उसमें आज 26 मामले नए आए हैं यानी कि 26 और दो सौ छः चालीस में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं मैं फिर रिपीट करता हूं दो सौ बहत्तर उल्लासनगर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और हमने आपको कल बताया था कि एक सौ इकतालीस कोरोना पॉजिटिव एक्टिव है जिसमें आज बारह को और जोड़ेंगे यानी कि एक सौ तेपन कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव बताए गए हैं और हमने कल आपको बताया था 96 मामले डिस्चार्ज हो चुके हैं उसमें 14 आज और डिस्चार्ज यानी के यानी कि 110 मामले डिस्चार्ज के हो चुके हैं और नौ लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है हम आपको फिर एक बार आंकड़ा रिपीट करते हैं आज अट्ठाईस मई के फाइनल आंकड़े दो अब तक केस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं एक लोग एक्टिव तो बताए गए हैं और 110 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और नौ मामले जिनमें उनकी अब तक मौत हो चुकी है अब जानकारी देता हूं कि ये मामले कहां के आए थे तो पंद्रह मामले सम्राट अशोक नगर उल्लासनगर तीन जिसको हॉटस्पॉट पहले ही घोषित कर दिया गया है और चार मामले चोपड़ा कोरड़ परिसर उल्लासनगर तीन और एक मामला सुभाष टकरी उल्लासनगर चार और तीन मामले हीरा घाट परिसर उल्लासनगर तीन और एक मामला खेमानी अंबेडकर नगर और एक मामला लक्ष्मी अपार्टमेंट उल्लासनगर तीन का और एक कैंप रोड उल्लासनगर पाँच का कुल मिलाकर ये छब्बीस मामले आज नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए दो सौ बहत्तर कुल उल्लास नगर शहर में कोरोना पॉजिटिव एक सौ तिरपन लोग एक्टिव एक, एक सौ दस डिस्चार्ज और नौ लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है థా సరకార్ న్యూజ మహేష్ మూలచందా